हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अब ये तीनों चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो क्लासेस का शेड्यूल था वो कल से कई बार चेंज हुआ, क्योंकि पहली बार लाइव क्लास करने वाला था इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी साउंड से रिलेटेड, तो उसी में लगा हुआ। तो कल पहले एक बार रात में कैंसिल हुई क्लास, उसके बाद सुबह, फिर दोपहर, अभी शाम को फाइनली हमारी क्लास चालू होने वाली है। आई होप कि अब यहाँ पर सब कुछ सही होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि आवाज़ में प्रॉब्लम है या आवाज़ सही चल रही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स, वो भी टॉप 200 करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर में RRB का मेंस होने वाला है, बैंक का, IBPS PO का मेंस होगा, IBPS क्लर्क का मेंस होगा, तो बहुत सारे एग्जाम अभी आपके लाइनअप है आने वाले टाइम में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये करंट अफेयर्स आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऑप्शन बेस्ड, क्योंकि पहले मैंने इससे पहले कभी भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाए थे। यहाँ पर जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होती थी मैं डिटेल में वन लाइनर पढ़ाता था, पर इस बार कुछ नई चीज़ें हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अब आने वाले टाइम में जल्दी जल्दी आपकी क्लास भी आने वाली है लाइव, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके टाइमलाइन पे आपको मिल जाएगा चैनल पे, वहां पे जाके जरूर देखिएगा पहला पार्ट इसका। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब पहली जो यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ है कि किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रदीप कुमार जोशी जी। ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो प्रदीप कुमार जोशी जी आपके UPSC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करें कि UPSC की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना की गई थी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर UPSC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये भी आपको पता होना चाहिए, UPSC का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद है दूसरा कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यहां पर जो आपका जवाब इसका होने वाला है वो है आपका तीसरा ऑप्शन, हरदयाल प्रसाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार होता है कि करंट अफेयर्स पूछा कैसे जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ सीधे पढ़ो सिर्फ वही पूछा जाए, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं, पर यहां पर जो चीज हमने देखी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD और CEO दोनों एक ही व्यक्ति बने हैं, वो नए कौन है, हरदयाल प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, 1988, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो कहां है, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ श्रीलंका के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पे जो श्रीलंका से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछा जा सकता है वो ये चीज कि ऐसे देश का नाम बताइए जिस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भाई भाई हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति दोनों भाई भाई हैं, तो प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर क्या है, महिंद्रा राजपक्षे। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का नाम है गोटबाया राजपक्षे,
गोटबाया राजपक्षे इनके राष्ट्रपति का नाम है, तो ये राइटिंग सही नहीं है और पहली बार ये चीज यूज कर रहा हूं तो माइंड मत करिएगा। आप लोग सुन रहे हैं तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि श्रीलंका की राजधानी, तो श्रीलंका की जो राजधानी होती है वो है अभी कोलंबो, और एक और राजधानी है जयवर्धनेपुरम। जयवर्धनेपुरम कुट्टे यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें कि यहाँ की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, तो वो क्या है, श्रीलंकन रुपी। अब जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है जैसे हमारे भारत देश की जो कह सकते हैं कि करेंसी क्या है, तो वो क्या है, रुपया। उसी तरीके से कुछ ऐसे देश है जिनकी रुपया और रुपी से मिलते जुलती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंकन रुपी। बस उनके देश के आगे नाम जुड़ जाता है और भारत के क्या है, रुपया। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है कि बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीते हैं। तो अभी बेलारूस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है। इनका जो नाम है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 54th क्वेश्चन। इसका जो आंसर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं अभी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें बेलारूस की, तो बेलारूस की जो राजधानी है उसका नाम है मिंस्क, MINSK, मिंस्क। ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, मिंस्क है। और अगर हम बात करें कि यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो वो क्या है आपकी, रूबल। ये चीज आपको दोनों चीज याद रखनी है कि अगर हम बात करें बेलारूस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वहीं अगर हम बात करें कि बेलारूस के राजधानी क्या है, तो वो है आपके मिंस्क। वहीं अगर हम बात करें कि बेलारूस की आपकी मुद्रा क्या है, वो क्या है, रूबल। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा। और करेंसी कैपिटल तो डेफिनेटली बैंक के हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये चीज बहुत। और अभी कुछ सालों से, लास्ट 2-3 ईयर से जो नया पैटर्न चेंज हुआ है बैंक के एग्जाम में, वो चीज करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ सिस्टम है कि वहां पर ऐसी करेंसी कैपिटल पूछी जाती हैं जो चीज आपके कुछ टाइम में करंट अफेयर्स में, एक तरीके से वो देश एक्टिव रहे किसी न किसी, या तो वो किसी खेल में कोई देश अच्छा नाम किया, या तो किसी देश के राष्ट्रपति बनाए गए, या कुछ देश में जो भी उथल पुथल चलती रहती नई नई चीजें, उसके आधार पर ये चीज देखी जाती है। अब यहां पर अगला प्रश्न आता है कि किसे वित्तीय सेवा मंच, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, CIFL। तो यहां पर सबसे पहले चीज, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ें कि सबसे पहली चीज जो देखने लायक है कि CIFL, इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इंग्लिश वाले सेक्शन में यहां पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं कि CIFL का फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे जो नियुक्त किया गया है वो है आपका हर्ष कुमार भानवाला जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। अब बात की जाए कि हर्ष कुमार भानवाला, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा पहले, तो इनका नाम कहाँ सुना है, ये पहले नाबार्ड के चेयरमैन थे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नाबार्ड के पहले चेयरमैन कौन थे, हर्ष कुमार भानवाला जी, ठीक है। और अगर अभी की बात करें तो ये कौन है, अभी कौन है, चिंताल मार्टिन विजकारा यहां के कौन है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और अगर हम बात करें कि पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी है लीमा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि पेरू की अगर हम राजधानी की बात करें तो ये है लीमा। और वहीं अगर हम बात करें करेंसी की क्या है, मुद्रा क्या है, तो वो क्या है आपकी, सोल। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद ICRIR के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4, प्रमोद भसीन भसीन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रमोद भसीन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, क्योंकि कई बार ऐसे करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, कई बार करंट अफेयर्स में पूछा जाता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इनको जो इन्होंने रिप्लेस किया है, उनका नाम है ईरान जज अहलूवालिया। ईरान, ये ईरान है यहां पर, याद रखिएगा, ठीक है। ईरान जज अहलूवालिया
जी को रिप्लेस किया है किन्होंने? प्रमोद भसीन ने, जो कि ICRIR के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, भारतीय अनुसंधान परिषद रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च। ठीक है, तो इनके चेयरमैन कौन बने हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? ये बने हैं प्रमोद भसीन। इन्होंने रिप्लेस किया है ईरान जज अहलूवालिया, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सुभाष सिंह, रतन मुंद्रा, पंकज त्रिपाठी, राहुल मुंद्रा, राजेंद्र शुक्ला। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इनका नाम क्या है? सुभाष सेवरतन मुंद्रा, जो कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर बात करें कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है ना, तो आपको ये चीज पता करके कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं तो इसके बारे में अगले वीडियो में पक्का बताऊंगा। ठीक है, तो आपके आप लोगों के लिए एक तरीके से ये समझ लीजिए कि होमवर्क है। तो आपको इसका पता लगाना है कि इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया, कि नए अध्यक्ष बने हैं जो क्या सुभाष सिंह और रतन मुंद्रा, ये पहले किसी और कंपनी के थे, तो वहां क्यों इस्तीफा दे के यहाँ पे क्यों आए, ये चीज आपको इनका कारण पता करना, छोटा सा बहुत ईजी सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा, जो भी हमारे मित्रगण यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों साथियों, ठीक है ना, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करते रहिएगा यहाँ पर, कि चीज़ें समझ में आ रही, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सेल, सेल का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो सेल के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है सोमा मुंडल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 59 क्वेश्चन का सही जवाब है क्या, कि सेल के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमा मुंडल। उन्होंने रिप्लेस जिसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल चौधरी को। तो अनिल चौधरी जी को इन्होंने रिप्लेस किया है सोमा मुंडाल, ये सेल की अगले अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ये चीज याद रखना है। अगर हम बात करें सेल के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करें, तो सेल का हेडक्वार्टर, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाता है न्यू दिल्ली में, ND में। और वहीं अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 19 जून 1954, 19 जून 1954 को इसकी स्थापना की गई थी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोलेगा? तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा, सिंपल सा प्रश्न आएगा, तो आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है। तो ये चीज याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही जवाब हो जाएगा, कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोलेगा? अरुणाचल प्रदेश। किस पोर्टल को केंद्रीय कपड़ा और महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, अब पहला प्रश्न जो यहां से बन के आता है कि आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय कपड़ा और बाल विकास मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो इनका नाम क्या है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद कि इन्होंने एक अलग पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? बुनकरों और संगठन के लिए, जो भी एक तरीके से बुनकर रहते हैं ना, हाथों से चीजें बनाते हैं, कपड़े वपड़े का बुन करते हैं, हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इन्होंने हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पोर्टल लॉन्च किया है, और इसका सही नाम क्या है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट माई हैंडलूम, माई हैंडलूम इसका सही जवाब है। तो माई हैंडलूम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया ये इस क्वेश्चन में, कि हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में ये चीज़, ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया। अब अगर हथकरघा दिवस की बात करें कि ये कब मनाया जाता है, तो हमने जैसा कि पहले देखा था, बफरिंग हो रही है क्या किसी को? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है,
इसके बाद है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय विनिर्माण पर स्थानांतरण हेतु सरकार के दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत सप्ताह किसने लॉन्च किया है। अब ये सिंपल सी चीज़ें ये हैं कि जो भी हमारे भारत देश में आजकल क्या है कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इधर अपने लॉकडाउन के टाइम में एक चीज़ नई बताई कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? अपना काम हम स्वयं करें, हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी व्यक्ति पर निर्भर ना हो। सिंपल सा इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। अब ये क्यों है? क्योंकि जो भी भारत की कंपनियाँ हैं वो सारी चीज़ें डेवलप करें, यहीं पे बनाए। अगर हम कोई भी चीज़ अगर किसी भारत किसी विदेश से हम आयात करते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं, तो वो चीज़ बंद की जाए और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। एक तरीके से भारत में जो चीज़ें बन रही हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह लॉन्च किया गया। और ये जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजनाथ सिंह द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, ये कहाँ के हैं, ये चीज़ आपको बतानी है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। दूसरी बात कि ये कौन से मंत्रालय से हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया, रक्षा मंत्रालय। तो ये किस मंत्रालय से हैं? रक्षा मंत्रालय से रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एकत्रित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। अब ये क्या है कि 12 अगस्त को, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कि 12 अगस्त को आपका विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ये चीज मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी के उपलक्ष्य में एक तरीके से पशुओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हम जागरूक हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न फैलाएं, उनका संरक्षण करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? सुरक्षा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा कि बेस्ट नेशनल पोर्टल इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट टू कलेक्ट रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड विल ऑल्सो मैनेज कंफ्लिक्ट ऑन रियल टाइम बेसिस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी अलग लिखी हुई, तो उसका मैं सिंपल सा मतलब समझा देता हूँ कि ये चीज़ जो है इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टाइम में उस पोर्टल के थ्रू, इस राष्ट्रीय पोर्टल के थ्रू हम आज की डेट में अभी का डाटा प्राप्त कर पाएंगे, और वो एक्चुअल डाटा होगा कि हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारे देश में कितने हाथी हैं, कितने कौन से जानवर हैं, वो कहाँ पे हैं, क्या है, सुरक्षित है या नहीं। ये सारी जानकारी हमको पिछली डेट पे ना मिलके तुरंत मिलेगी, ऑन अ रियल टाइम बेसिस, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है। तो आपको उसी टाइम की चीज़ें यहाँ पर पता लगने वाली हैं। तो यहां पर जो उसका नाम है, इसका पहला मैंने ऑप्शन बताया कि ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर है। तो मानव हाथी संघर्ष पर एक जो पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम क्या है? सुरक्षा। किसके उपलक्ष्य में? विश्व हाथी दिवस मनाया गया था 12 अगस्त को, उसी के उपलक्ष्य में कि पशुओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक वाले कौन सा भारत का पहला शहर बन गया है। इसका मतलब ये कि जैसे कि हम आप सभी ने देखा होगा कि हम जहां भी जाते हैं ट्रैफिक में, तो अगर वहां पे किसी का सिग्नेचर चिन्ह रहता है ना, तो वहां पे क्या रहता है ट्रैफिक में, बहुत कम ऐसा होता है जहां पे महिलाएं हों वो ट्रैफिक मैनेज करें। बहुत जगह अभी कम होता था ऐसा, है ना, कई जगह चालू हुआ धीरे धीरे, या खड़े रहते थे वो सिर्फ महिलाओं को, जो भी चालान वगैरह कटते थे उसमें उनका योगदान रहता था, ट्रैफिक पूरा कंट्रोल नहीं किया जाता था, बहुत कम देखने की चीज मिलती थी। दूसरी चीज क्या कि हमने देखा हुआ चौराहे पर वो एक फोटो टाइप के लगी रहती है जिसमें कोई मेल मेंबर लगा रहता है, वो बताता है कि लेफ्ट राइट रुकना है, यहाँ पे चलना है, ये सारी चीज़ें जो प्रतीक लगे रहते हैं, सिंबल लगे रहते हैं इसके लिए। तो इंडिया में एक ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे उन मेल मेंबर की जगह फीमेल को चुना गया है कि वहाँ पे महिलाओं के प्रतीक वाले कौन को लगाया जाएगा, और वो कौन सा शहर है आपका? वो है आपका मुंबई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि पक्का किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए भारत के हिसाब से तो भारत में ये पहला देश, मतलब पहला है कि जहाँ पे इसको ये चीज देखा जाएगा, मतलब भारत का पहला शहर है जहां पे ये चीज की गई है। तो ये पक्का प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मुंबई, अगर हम बात करें मुंबई के बारे में, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये हम सबको पता है। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है? सीएम कौन है यहाँ के?
उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो ये राज्यपाल कौन है यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के क्या हैं, राज्यपाल हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि कितने पुलिस कर्मियों को जांच उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 के लिए। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव बीन अवार्डेड द यूनियन होम मिनिस्ट्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर द ईयर 2020। अब ये जो अवार्ड दिया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि ऐसे पुलिस कर्मी जो भी किसी भी तरीके की जांच में शामिल होते हैं, मान लीजिए कोई मर्डर हुआ या कुछ भी, कोई भी अपराध हुआ, अपराध में जो भी पुलिसकर्मी उसमें जांच करते हैं, तो जांच करने में अगर वो अपनी ईमानदारी से सच्चे मन से अगर जांच करें, तो ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ में नहीं लगता। तो ठीक है, कितनी निष्पक्षता के साथ उन्होंने जांच करी, कितनी अच्छे से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, तो इसके लिए उन्होंने भारत में टोटल पुलिसकर्मियों के 121, ऑप्शन नंबर चार इसका सही जवाब है, 121 पुलिसकर्मियों को जांच के उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि कृषि मेघ किस संगठन का डेटा रिकवरी केंद्र है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ICAR। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, ये ऑफ है यहां पे याद, ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ICAR का फुल फॉर्म ये हो गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कृषि में संगठन किस डेटा रिकवरी केंद्र है, ICAR का, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद के रेल मंत्रालय ने किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो रेल मंत्रालय द्वारा एक संग्रहालय अभी ओपन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ऑप्शन नंबर थ्री, हुबली कर्नाटक में। अब ये क्यों किया गया है, तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा कि जो जैसे म्यूजियम होते हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं, आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है, उनको एक तरीके से रखने के लिए, संग्रहित करने के लिए एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये उस क्षेत्र का पहला है, तो हुबली कर्नाटक में खोला गया, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रेलवे मंत्रालय कि अभी रेलवे मिनिस्ट्री किसके हाथों में है, रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने मुखिया किसान सहायता योजना शुरू की है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुखिया किसान सहायता योजना शुरू की है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने मुखिया किसान सहायता योजना शुरू की है, गुजरात ने। अब ये क्यों की गई है, ये एक तरीके से की गई है कि जो भी आने वाले टाइम में किसानों को पंजीयन